नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते ही इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां महाराजगंज में ट्रक का इंजन और चेचिस नंबर बदलकर फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने वाले अंतर राज्य गिरोह के 8 सदस्यों को एसटीएफ की टीम ने नैतनवा से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी बस्ती महाराजगंज, फतेहपुर और बंगाल जिले के रहने वाले हैं। एसटीएफ ने इनके कब्जे से 5 ट्रक, 2 कार, 12 मोबाइल फोन, 2 चेसिस और इंजन नंबर की पट्टी और 4 आधार कार्ड बरामद किए हैं। वहीं नैतनवा पुलिस ने कूटचित दस्तावेज तैयार करने का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की है। ये दिनांक 23 जुलाई 2023 को थाना नौतनवा और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो इनसे पूछताछ की गई है, तो ये फर्जी रजिस्ट्रेशन के आधार पर ट्रकों को बेचा करते थे, उसके रजिस्ट्रेशन तैयार करते हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि जो व्यक्ति लोन पे कोई गाड़ी लेता था, वो लोन नहीं चुका पाने के कारण इन लोगों को गाड़ी बेच देता था। उसके बाद ये पेपर चेंज करके, फर्जी पेपर तैयार कर, दूसरे व्यक्तियों को ये गाड़ी बेचा करते थे। इस तरह से कुल 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। वही अगली खबर महाराजगंज से है, जहां बाइक लिफ्टर के कब्जे से 6 बाइक बरामद की गई है। बता दें कि लिफ्टर चोरी की गाड़ियों को बॉर्डर से इलाके में छुपाकर रखता था। जानकारी ये भी है कि लिफ्टर भारत से चोरी की गई गाड़ियों को नेपाल में बेचने की फिराक में था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापा मारा और युवक को धर दबोचा। वही पुलिस पकड़े गए युवक को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। ये दिनांक 23 जुलाई 2023 की रात्रि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन बजट के अंतर्गत रात्रि चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अब्दुल गनी है। ये नवलपरासी थाना राष्ट्र नेपाल का रहने वाला है। इसकी निशानदेही पर कुल 6 बाइक को बरामद किया गया है। अगली खबर ललितपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ ललितपुर जिले के 9 जिला पंचायत सदस्यों ने मोर्चा खोला है। लोगों ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देते हुए पंचायत अध्यक्ष पर मनमाने ढंग से अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। जिस बैठक में माननीय मंत्री जी, हमारे सदर विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में तमाम हमारे जिले के निर्वाचित सदस्य अनाधिकारीगणों के साथ बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान जिला पंचायत के सदस्य ने विगत 2 वर्षों के कार्यकाल में कितना धन जिला पंचायत को केंद्र द्वारा, राज्य द्वारा और जिला निधि के माध्यम से प्राप्त हुआ। वही अगली खबर चमोली से है, जहां जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कमेड़ा में भूस्खलन प्रभावित स्थल का निरीक्षण करते हुए एनएच अधिकारियों को युद्ध स्तर पर हाईवे सुचारू करने के निर्देश दिए। वही बीती रात को हुई बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग कमेड़ा में पूरी तरह से टूट गया था, जिसके बाद अधिकारियों ने टूटे राजमार्ग का निरीक्षण किया। अगली खबर संभल जिले के सदर कोतवाली इलाके से है, जहां एक मामूली बात को लेकर सगे चाचा ने भतीजे की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे लहूलुहान अवस्था में परिजन घायल को जिला अस्पताल लाए, जहां घायल का उपचार चल रहा है। वहीं परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर भी दी है। हमने मेरा भाई ने मारा है, मैं क्या मारा है उसके ब्लेड मारी था। क्या नाम है भाई का आपके? का नाम मेरे भाई का आता। आपका छोटा भाई है आपका? तो हम मुझसे छोटा भाई है। अच्छा, क्यों मारा था आपके लड़के के? पैसे पैसों के चक्कर में मारा। क्या बात थी? पैसे मांग लिया था वो हमारा भैया। किससे? दादी से। फिर हमारे लड़ने के कहते पैसे क्यों मांग लिया, फिर इसके पैसे हमारे भैया को बढ़ते हैं। इस बात को
वही अगली खबर महाराजगंज से है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में नवविवाहित युवती की फंदे से लटकी शव मिलने पर परिवार में हंगामा मच गया। वही परिवार वालों ने इसे हत्या बताया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। वही अगली खबर महाराजगंज से है, जहां निचलौल पुलिस को सोमवार बाइक जांच के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी की 4 बाइक के साथ 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही जांच के दौरान उनके पास से 7 मोबाइल भी बरामद हुआ, जो चोरी का था। पुलिस ने सभी अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये पुलिस अधीक्षक महाराजगंज महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में आज थाना निचलौल पुलिस द्वारा 11:30 बजे आज दिन में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 4 मोटरसाइकिल और 7 अदद मोबाइल बरामद हुआ है। इसमें से दो बरगरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि 1 थाना निचलौल का रहने वाला है। इसमें से 4 बाइक में 2 कनेक्ट हुई है जो निचलौल में चोरी हुई थी, और मोबाइल में सभी कनेक्ट हुई है। वही अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस को उस समय सफलता हाथ लगी जब 2 तस्करों को पुलिस द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया। आपको बता दें कि दोनों युवक की पहचान कमलेश सिंह के बेटे हाकिम सिंह और तौफीक अंसारी के बेटे महबूब आलम के रूप में हुई है। बता दें कि युवक के पास से 1 किलो 100 ग्राम अफीम मिला है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वही गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना रोजा पर विधिक कार्रवाई करने के दोनों को जेल भेज दिया गया है। कल पुलिस को सूचना मिली महबूब के द्वारा कि झारखंड से कुछ व्यक्ति अफीम लाकर यहाँ बेचने की फिराक में, यहाँ से कहीं और ले जाएंगे। इस सूचना को डेवलप किया गया और थाना रोजा एसओजी की टीम ने असलिया फ्लाई ओवर के पास से निशानदेह के दामा 2 लोगों को, कमलेश सिंह और तौफीक अंसारी, जो दोनों लातेहार झारखंड के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। तलाशी में इनके पास से 1 किलो 100 ग्राम अफीम बरामद की गई, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 1 करोड़ बताया जा रहा है। और इनके पास बरामद की अफीम, इनसे पूछताछ किया गया, बताया कि लोग झारखंड से अफीम लाकर बेचते हैं ग्राहकों को। इनसे आगे पूछताछ की गई है, थाना रोजा प्रसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो तथ्य है उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वही अगली खबर मैनपुरी से है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कब्जाधारियों पर संज्ञान में आते ही कार्रवाई करने की बात करती हुई नजर आ रही है, वहीं पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम भी कर रही है। लेकिन प्रदेश सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी आज भी भूमाफिया या कब्जा करने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के तहसील करहल में देखने को मिला है, जहां एक पूर्व सैनिक के निजी आवास पर उनके ही परिवार के नामजद कब्जा करने की नियत से घर में उस समय घुस गए जब वो इटावा से आकर अपने घर पर खाना खा रहे थे। जिन्होंने पूर्व सैनिक की मारपीट करने की नियत से पकड़ना चाहा, तो पूर्व सैनिक और नामजादों के बीच नोकझोंक होने लगी। तभी गांव में मौजूद कवरेज कर रही मीडिया की टीम को देखकर कब्जाधारी फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि उक्त कब्जाधारी और उसके ही परिवार के हैं, जिन्होंने अपने हिस्से की जमीन व घर बेच दिया है और कुछ हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। इस संबंध में पीड़ित पूर्व सैनिक ने SDM करहल पुलिस अधीक्षक मैनपुरी को ज्ञापन सौंपा है और रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और बड़ी अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।